बात करेंगे कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज और अपडेट्स के बारे में। सारी न्यूज कवर करेंगे आज इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं क्रिप्टो मार्केट का हाल। क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो क्रिप्टो मार्केट की जो मूवमेंट चल रही है, जो हम डेली कुछ दिनों से मूवमेंट देख रहे हैं, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। बिटकॉइन के अगर हम इंडिकेटर देखें, काफी बुलिश इस टाइम पे दिख रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन अगर आप देखोगे, आज मॉर्निंग में 41,900 के लेवल पे बिटकॉइन के प्राइस आ गए थे। अभी जो है बिटकॉइन 42 के लेवल पे आया, 42,100-42,200 ये लेवल चल रहे हैं बिटकॉइन के। इथेरियम के प्राइस की बात करें, $3,000 पे इथेरियम पहुंच गया था, लेकिन अभी 2,900 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात करें तो बाइनेंस कॉइन $400 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे अभी सिचुएशन ना तो डाउन की है, ना ही ज्यादा बुलिश की है। अगर आप देखेंगे इस टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, लेकिन यहाँ से मूवमेंट फिर भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और फिर से हमको जो लेवल है 43 का लेवल बिटकॉइन ने दिखाया था, उसके बाद जो मेजर लेवल, एक मेजर रेजिस्टेंस रहता है, वो रहता है 44-45 का। वो लेवल अगर हमको दिखता है आने वाले कुछ घंटे कुछ दिन के अंदर, और मार्च के एंड तक बिटकॉइन के प्राइस क्या रहते हैं, बिटकॉइन कहां तक जाता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिटकॉइन के हर मूवमेंट पर रहेगी नज़र। जो अपडेट रहेगा हम बाकी टेलीग्राम पे भी करते रहेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लेना। ये कुछ करंट हाल है आज क्रिप्टो मार्केट का। अब बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो वो है फ्लोरिडा की तरफ से। जी हाँ, फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं किस चीज़ को लेके, जो आप वहाँ के जो बिजनेस हैं वो वहाँ पे टैक्स पे कर पाएंगे इन क्रिप्टो एसेट्स। जी हाँ, क्रिप्टो एसेट्स के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर टैक्स को पे कर पाएंगे। ऐसे जो है इस पे काम किया जा रहा है, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो टैक्स पे कर सकें क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। जिस तरह के मूवमेंट बाकी कंट्रीज के अंदर हो रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को एक ब्राइट बनाती है। और वहाँ के जो फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं वो ये चीज़ आज कह चुके हैं, और जल्दी ही वहाँ के जो बिजनेस हैं वो टैक्स पे करेंगे, कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सेकेंड अपडेट की बात करें तो वो है फीफा वर्ल्ड कप की तरफ से। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर होने वाला है, कतार के अंदर होने वाला है 2022। और इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर crypto.com जो एक्सचेंज है, ये पहली ऐसी एक्सचेंज है जिसने सब स्पोर्ट्स में एंट्री ली है, और ये ऑफिशियल स्पॉन्सर होगी फीफा वर्ल्ड कप की। जी हाँ, पहली बार फीफा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर crypto.com जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे लीड करेगी और यहाँ पे स्पॉन्सर बन चुकी है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़े मायने हैं इस चीज़ के, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह से स्पॉन्सर बन रही है और फीफा वर्ल्ड कप के अंदर crypto.com स्पॉन्सर बना है, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी स्पोर्ट्स के जरिए, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का स्पॉन्सर बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी और एक पॉजिटिव यहाँ पे बात है। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है रशिया यूक्रेन का वॉर। आपको पता है चल रहा है, आज 28 डेज हो चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो एक्सचेंज है यूक्रेन की, क्यूना एक्सचेंज इसका नाम है, और वहाँ के क्यूना एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं, जो CEO हैं एक्सचेंज के, उन्होंने यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर कुछ कहा है। बाइनेंस को ये कहा है कि बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है रशियन गवर्नमेंट को, रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो क्यूना एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं, उन्होंने सीधा सीधा बाइनेंस को यहाँ पे ये चीज़ कही है। अब ये चीज़ कितना सही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर आपको पता है चल रहा है, और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो रशियन यूज़र्स को ब्लॉक करने की बात रही हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने इस डिसीज़न को जो है डिनाई कर दिया था और ब्लॉक करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे इस बार जो है क्यूना एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं, जो यूक्रेन की एक्सचेंज है, उनकी तरफ से ये चीज़ कही गई है बाइनेंस के लिए। तो यही कुछ अपडेट्स थी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना।